ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको भी लगता है कि हमारी बुद्धि किसी ने बांध रखी है, मतलब अकल हमारा काम ही नहीं करता है, हमारी सोचने की जो क्षमता है समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या सोचें, कैसे सोचें, और चीज़ें वैचारिक रूप से बहुत उलझनों से लगती है। क्या आपकी भी किसी ने बुद्धि बांध दी है जिससे आप ना कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं, बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं, चीज़ें जीवन में नेगेटिव होती ही जा रही है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। और इस परेशानी का समाधान क्या है, हम कैसे इस पूरी परेशानी से बाहर आएँ, हमारा दिमाग काम करे, वैचारिक बुद्धि हमारा काम करे, हम अच्छे से सोचें, अच्छे से चीज़ों को समझें, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, ये प्रश्न बहुत बार आपके मन में भी उठता होगा। मैं कुछ आपको तरीके, कुछ ट्रिक्स, कुछ अलग सी बातें और इस कुछ चीज़ें इससे बाईपास बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशनों को कैसे हैंडल किया जाता है और पूरी सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो कभी भी आप ये ना सोचें कि किसी ने कुछ करवा रखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के नेगेटिव फेज आता है, उस नेगेटिव फेज में ऐसा होना स्वाभाविक है, तो ये कोई विशेष चीज़ नहीं है जो डरावनी है। दूसरी बात होती है कि हम जब भी ऐसे फेज में फंसते हैं तो किसी भी काम को करने में हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन होता है बस सोए रहें, बैठे रहें, बस एक शून्यता में हम फंसे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं करें, ये जहर है। कुछ भी काम करें, चाहे मन लग रहा हो नहीं लग रहा हो, वो काम कुछ ना कुछ करें। नहीं कुछ करने का मन है तो कापी पेन लें और सिर्फ एक पेन और कापी से कागज़ पर ओम नमः शिवाय या राम राम लिखते रहें। इससे होगा क्या कि आपका जो दिमाग है उसे भोजन मिलेगा, उसे कार्य का भोजन मिलेगा, वो किसी एक काम में केंद्रित होगा, और जैसे ही वो केंद्रित होगा धीरे धीरे आप इस ब्लैक जोन से बाहर आ जाएंगे। तीसरी होता है कि आर्थिक रूप से दबाव होता है, कि जैसे आर्थिक रूप से परेशानी हम झेलते रहते हैं, हमारे फैमिली चीज़ों को लेकर झेलते रहते हैं, मतलब ये जो प्रेशर है इसे कभी मत ले, क्योंकि ये सब चीज़ें क्षणिक है, जो चीज़ें आज हैं वो कल नहीं रहने वाली। आप जितना खुद को शांत रखेंगे, जितना आप खुद को मौन रखेंगे, जितना अपने अंदर जप की शक्ति को जनरेट करेंगे, उतना ज़्यादा आप इन परेशानियों से हमेशा के लिए छूटकर बाहर रहेंगे, क्योंकि ये जीवन है, ये चलता रहेगा, न किसी के जाने से न किसी के आने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आपको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। अच्छा लगा लाइक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः।